जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उनकी माता स्वरूप रानी थुसु जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी, वो पहली पत्नी का प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हेरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज के लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री केविज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और उसके बाद वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से करवा दी गई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में, जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के जवाहरलाल नेहरू को 9 अगस्त 1942 में मुंबई में गिरफ्तार किया गया। अहमदानगर जेल में इन्हें रखा गया, जहां इन्हें 15 जून 1945 को रिहा किया गया। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने वाले खास प्रदर्शक व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित थे और 1912 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। 1920 के प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चा को संगठित करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को हो जाता है। 1962 के बाद नेहरू के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने लगी और उन्होंने 1963 तक कश्मीर में स्वस्थ होने में महीना बिताए। कुछ इतिहासकार इसे नाटकीय गिरावट के 6 भारत चीन युद्ध पर उनके आशय और चिंता को देते हैं, जिसे उन्होंने विश्वास के विश्वासघात के रूप में माना गया। मई 1964 को देहरादून से लौटने पर वे काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे और हमेशा की तरह बिस्तर पर सोने चले गए। करीब 6:30 बजे तक उन्होंने आराम से रात गुजारी। बाथरूम से लौटने के तुरंत बाद में नेहरू जी के पीठ में दर्द की शिकायत हुई और उन्होंने उन डॉक्टर से बात की, जिन्होंने कुछ समय के लिए उनका इलाज किया और लगभग तुरंत ही वह गिर गए। दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। 27 मई 1964 को स्थानीय समय अनुसार 2 बजे लोकसभा में उनकी मृत्यु की घोषणा की गई। मौत के कारण दिल का दौरा बताया गया।